ऊंची से ऊंची बिल्डिंगों पे बढ़तरी हासिल करके शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me Nabeel Shah and you are watching Nabeel Verse. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो what are you waiting for? सब्सक्राइब कर लो। और फाइनली ध्रुव राठी की नई वीडियो आ गई और मैं ध्रुव राठी की वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। मजा आता है देखने में, भाई का कंटेंट मजेदार है। तो भाई की जो वीडियो है उसका टाइटल है मिस्ट्री ऑफ बुर्ज खलीफा, हाउ टॉल कैन ह्यूमन बिल्ड ध्रुव राठी। एज यू गाइस नो के बुर्ज खलीफा दुनिया की अभी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि सऊदीया में जिद्दा टावर बनने वाला है और देन उसके फौरन बाद ये रिकॉर्ड वापस दुबई के पास ही आ जाएगा, क्योंकि दुबई में एक और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका हुआ इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो देखते हैं कि इससे रिलेटेड ध्रुव राठी का कहना चाह रहे हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जाने। नमस्कार दोस्तों, 6 जनवरी 2004 दुबई के रेत में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। साल 2004 के एंड तक एक्चुअली में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी ताइपाई 101 ताइवान में। ये इमारत जिसकी हाइट 500 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन दुबई में जो लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप में अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वो बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बने बल्कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज्यादा ऊंची हो। इतना डिफरेंस बन जाए टॉलेस्ट और सेकंड टॉलेस्ट के बीच में कि अगली बारी कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे तो दो बार सोचे। बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंगें रही थी वो पिछली वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंगों से 5 या 10% ज्यादा ऊंची होती थी, ज्यादा से ज्यादा 19% ज्यादा ऊंची होती थी। लेकिन यहाँ पर सीधा 829 मीटर्स तक ले जाने की बात करी जा रही है, 62% का डिफरेंस। करीब 5.5 साल का समय लगता है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है ये इमारत। बुर्ज खलीफा के सक्सेस को देखकर कई देशों ने अनाउंसमेंट्स करी कि वो इससे भी ज्यादा ऊंची इमारत बनाएंगे। कईयों ने कोशिश भी करी लेकिन सारे प्लान्स अभी तक फ्लॉप रहे हैं। 13 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर पाया। क्या कारण है इसके पीछे? आखिर क्यों इतना मुश्किल है इसका रिकॉर्ड बीट करना? और प्रैक्टिकली देखा जाए तो आखिर कितनी ऊंची इमारत बनाना पॉसिबल है इंसानों के लिए? आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। It will be the tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. 1/2 mile high. दोस्तों, करीब 4,000 सालों के लिए इंसानों के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे बनाया गया था साल 2500 BC के अराउंड। एक टूम के तौर पर यह बना था फैरो खुफू के लिए और इसकी हाइट है 145 मीटर्स। इस रिकॉर्ड को सिर्फ 1300s के बाद ही तोड़ा गया जब इंग्लैंड में एक कैथीड्रल बना जिसकी हाइट थी 160 मीटर्स। अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक चर्च के बाद दूसरे चर्च नहीं तोड़ा जब तक साल 1889 में आईफिल टावर नहीं बना। लेकिन आईफिल टावर भी एक बिल्डिंग नहीं है, मतलब ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहां पर लोग रह सकते हैं या लोग काम करने के लिए जा सकते हैं। अगर प्रॉपर बिल्डिंगों की बात करें तो शिकागो होम इंश्योरेंस की एक 1884 में बनी बिल्डिंग, इसे कहा जाता है दुनिया की पहली स्काईस्क्रेपर, क्योंकि एक ऐसी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी जहां पर लोग काम करने के लिए जा सके, एज ए ऑफिस स्पेस यूज कर सके। इससे पहले जितनी भी ऊंची इमारतें थी उन्हें या तो राजा महाराजाओं के लिए बनाया जाता था या फिर भगवानों के लिए बनाया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंसानों के इतिहास में। हालांकि ये बिल्डिंग को इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ 55 मीटर्स की, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी छोटी थी। लेकिन इसके बाद से ही ऐसी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आ पाई कि हम रहने लायक ऊंची बिल्डिंगें बना सकते। तो शुरुआत में जो कंपटीशन था ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने का, ये सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो के शहरों में देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमी थी 19th सेंचुरी के एंड तक, और ये दो शहर सेंट्रल शहर थे जहाँ पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बूम देखने को मिल रही। इन शहरों में बहुत से लोग आकर रहना चाहते थे, बड़ी कंपनीज के द्वारा बड़ी ऑफिस स्पेसेस की डिमांड थी और लोगों को बेहतर तरीके से शहर में अकोमोडेट करने के लिए ये स्काईस्क्रेपर्स बनाने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क की ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो साल 1931 से लेकर 1971 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी रही थी। 40 साल तक इसने ये रिकॉर्ड को होल्ड किया और अगर मॉडर्न जमाने में कंपेयर करोगे तो इसने इस रिकॉर्ड को सबसे ज्यादा समय तक होल्ड किए रखा। 1971 में इसको बीट किया न्यूयॉर्क की ही एक और बिल्डिंग ने जो कि थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एट 417 मीटर्स, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 381 मीटर से 9% ज्यादा। साल 1998 में ये कॉम्पिटिशन अमेरिका से बाहर निकला और
एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ। जब कुआलालंपुर में बनाए गए द पेट्रोनस टावर्स एट हाइट ऑफ 452 मीटर्स, इन्हें साल 2004 तक वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का दर्जा दिया गया, जिसके बाद ताइपाई 101 ने इन्हें बीट किया। और 2009 में सबसे बड़े मार्जिन बुर्ज खलीफा ने इन सबको बीट कर दी, 510 मीटर से सीधा 828 मीटर की छलांग। एक्चुअली शुरू में जब बुर्ज खलीफा, अच्छा बोल 2009 रहे हैं लेकिन लिखा 2010 हुआ है, क्योंकि प्लानिंग करी जा रही थी तो इसकी इनिशियल प्रपोज हाइट 550 मीटर तक रखी गई। प्लानिंग के वक्त धीरे धीरे कहा गया कि नहीं और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, और इतनी बढ़ा दी। At that time, the brief for the tower was to design a tower that's 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. We learned as we got into the project that we could go higher, and there was a desire to go higher and not only break the record by a little bit, but to really break it by a big margin. Reason tha ki Dubai ka jo downtown area ho, ye building uski centerpiece attraction ho. 1990s se pehle asal mein baat kya hai, Dubai basically ek fishing aur pearl diving ka gaon hua karta tha, jisne रिसेंटली तेल डिस्कवर किया था। लेकिन लेट 1990s और अर्ली 2000 तक आते आते दुबई के लीडर्स चाहते थे कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, तेल पर डिपेंडेंस से आगे बढ़े। वो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन जाए, इसे इंटरनेशनल अटेंशन देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ कुछ इन्हें ऐसा करना था जिससे कि पूरी दुनिया हैरान होकर रह जाए। बुर्ज खलीफा इतनी लंबी बिल्डिंग है दोस्तों कि अगर आप इसके ऊपर से नीचे तक छलांग लगाओ 13 सेकंड लग सकते हैं, 13 सेकंड अगर कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो। अगर आप हवा को और एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में लेकर चलोगे तो ऊपर से कूदकर नीचे तक आने में आपको 20 सेकंड तक का समय लग सकता है। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि अगर आप इसके नीचे खड़े होकर सनसेट देखोगे और जल्दी से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंच जाओगे तो आप सनसेट को दोबारा देख सकते हो। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट पड़ी, 12,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे जो कि 100 अलग अलग नेशनैलिटीज से आए थे, और 22 मिलियन मैन आवर्स। जाहिर सी बात है लेकिन जिस पर्पस से इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो पर्पस काफी सक्सेसफुल रहा। आज के दिन दुबई ना सिर्फ एक बढ़िया इंटरनेशनल टूरिज्म की डेस्टिनेशन बन चुका है बल्कि एक इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। ढेर सारी कंपनीज अपने ऑफिसेज आकर दुबई में खोलना चाहती हैं, लोग आकर दुबई में रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और जिस डाउनटाउन के एरिया में बुर्ज खलीफा को बनाया गया है वहां प्रॉपर्टी का प्राइस इतना बढ़ गया है कि 1.5 बिलियन डॉलर्स तो बड़ी आसानी से रिकवर हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जिसकी वजह से इसे बीट करना इतना मुश्किल हो रहा है, और इससे ऊंचा अगर बनाने की कोशिश करी गई तो रियलिस्टिकली कितना ऊंचा इंसान बना सकते हैं। ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती है। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो उसे खुद का वजन सपोर्ट करना पड़ेगा, इतनी हाइट पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि हवाओं से कोई डैमेज ना हो, और बुर्ज खलीफा ने इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया अपने इनोवेटिव डिजाइन के चलते। इसका डिजाइन अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक वाई शेप में एक ट्राइपॉड की तरह तीन विंग्स आ रहे हैं बिल्डिंग, जिन्हें सपोर्ट किया गया है एक हेक्सागोनल कोर के साथ जो सेंटर में लगाया गया है। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को कहा जाता है बटरेस्ट कोर, और इसे इन्वेंट किया गया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर के द्वारा। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया गया था साउथ कोरिया में एक टावर पैलेस 3 बना था जिसकी हाइट 264 मीटर थी। उसके सक्सेस के बाद आर्किटेक्ट्स ने रियलाइज किया कि एक्चुअली में अगर हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ऊंचा जा सकते हैं, और सिर्फ इसी की मदद से ही बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बन पाई, इतनी ऊंची कि इससे सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग 300 मीटर छोटी थी, और बुर्ज खलीफा सिर्फ दुनिया की दूसरी बिल्डिंग थी जिसमें इस बटरेस्ट कोर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसी सिस्टम की मदद से जो हवाएं बहती हैं हवाओं का इंपैक्ट कम किया जा सकता है। इसे आप कंपेयर कीजिए न्यूयॉर्क की नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग से जो बहुत ऊंची बनाई गई है, सुपर टॉल की कैटेगरी में आती है, लेकिन उन्होंने इस बटरेस्ट कोर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या करना पड़ रहा है उन बिल्डिंग्स में, हवाओं से बचने के लिए कुछ फ्लोर्स खाली छोड़ने पड़ रहे हैं जिससे कि हवा पास थ्रू कर सके, जैसे कि ये 432 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग। इसके अलावा बुर्ज खलीफा की जो फाउंडेशन है उसके नीचे 192 कंक्रीट और स्टील कॉलम्स लगाए गए, 50 मीटर नीचे तक जाते हैं वो जमीन। लेकिन ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा ऊपर तक, और ये करने के लिए दुनिया के लार्जेस्ट कॉन्क्रीट पंप्स बनाए गए थे बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1,00,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया बिल्डिंग के बाहर, जो कि आप फोटोज में देख ही सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर है दुनिया का लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन। सही सुना आपने, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलईडी स्क्रीन। यही कारण है जिसकी वजह से आप बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट शोज देख सकते हो, रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न देख सकते हो, और तो और मूवी के ट्रेलर्स भी देख सकते हो। हाल ही में पठान फिल्म के रिलीज होने से पहले शाहरुख खान बुर्ज खलीफा के सामने खड़े थे जब बुर्ज खलीफा के ऊपर पठान फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा था।
कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। पूरा का पूरा मूवी का ट्रेलर यहाँ बिल्डिंग पर दिखाया जा रहा है। शायद आपको लगे कि ये प्रोजेक्शन करी जा रही है, प्रोजेक्टर के थ्रू बिल्डिंग पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है ट्रेलर को, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्डिंग के ऊपर एलईडी लाइट्स लगाई गई है, जैसे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी में छोटी छोटी एलईडी लाइट्स मौजूद होती है, और टोटल में 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स इस बिल्डिंग पर लगाई गई। पास से देखोगे तो एलईडी लाइट्स ऐसी दिखती है, काफी बड़ी है एक लाइट, लेकिन अगर आप दूर से अब देखोगे इन 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स को तो ऐसा लगेगा कि आप टीवी स्क्रीन देख रहे हो। पूरे के पूरे वीडियोस प्ले किए जा सकते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर इसी रीजन की वजह से। और एक सब बेसिकली बड़े बड़े पिक्सल्स हैं। तो आपके दिमाग में आएगा जब ऐसा किया जाता है, जो लोग बुर्ज खलीफा के अंदर रह रहे हैं, होटलों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें अपने शीशे पे हमेशा कोई फिल्म चलती हुई दिखती रहेगी, ये लाइटें दिखती रहेंगी। इसका जवाब है दोस्तों नहीं। अगली बार जब आप बुर्ज खलीफा पर जाओ लाइट शो के दौरान, थोड़ी और पास से देखना जो ये लाइटें हैं, जो पूरी बिल्डिंग पर स्प्रेड आउट होकर नहीं लगी हुई है, ये सिर्फ फ्रेम्स पर लगी हुई है, और उतना ही काफी है जब आप इसे दूर से देखते हो ऐसा लगे कि वीडियो चल रहा हो। इतनी ऊंची बिल्डिंगों में एक और प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। मान लो अगर आप 160th फ्लोर पर रहने लग रहे हो बुर्ज खलीफा के, और आग लग जाती है बिल्डिंग में, तो क्या आप सीढ़ियों से 160 फ्लोर्स नीचे उतरोगे? ऐसे ही सिनेरियोस के लिए, इमरजेंसी के केसेस के लिए बिल्डिंग में हर 25 फ्लोर बाद प्रेशराइज्ड और एयर कंडीशन्ड रेफ्यूज एरियाज हैं। इसके अलावा स्टेयर केसेस को फायरप्रूफ कंक्रीट के साथ बनाया गया ताकि आग फैले ना। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची बन सकती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है, पिछले 12 सालों में हालांकि कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बीट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जो 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं आज के दिन, उनमें से 17 ऐसी हैं जो बुर्ज खलीफा के बाद बनाई गई, जैसे कि 679 मीटर्स पर मेडेर का 118 जो कुआलालंपुर में अभी बनने लग रही है, ये मिड 2023 में ऑफिशियली खुलेगी, लेकिन ये ऑलरेडी दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी है। अच्छी कोशिश है, लेकिन 679 मीटर्स 828 मीटर से अभी भी बहुत दूर है। लेकिन कई ऐसी बिल्डिंग है जो प्लान करी गई है कि बुर्ज खलीफा से ऊंची होंगी, उनमें से कम दो ऐसी बिल्डिंग है जो ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी है। पहली है सऊदी अरेबिया की जेडर टावर। अगर ये प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करी जाएगी तो ये पहली बिल्डिंग होगी 1 किलोमीटर की हाइट क्रॉस करने वाली। इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा से काफी सिमिलर है, क्योंकि दोनों बिल्डिंग्स का आर्किटेक्ट सेम, एड्रियन स्मिथ। एक बार फिर से एड्रियन स्मिथ ने वो वाई शेप डिजाइन को फॉलो किया है ताकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आ सके। एक बार फिर से इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे पर्पस है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, ताकि वो सिर्फ तेल पर ना रिलाय करे। और बुर्ज खलीफा की तरह ही ये बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाएगा एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, जेडा इकोनॉमिक सिटी। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साल 2013 में शुरू हुई थी और करीब 1/4 के अराउंड टावर कंस्ट्रक्ट हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्ली 2018 में इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया, और तब से ये कंस्ट्रक्शन वापस शुरू नहीं हुई है। बात क्या थी, 2017 और 19 के बीच में सऊदी अरेबिया में एक एंटी करप्शन पर्च हुई थी, और जो मेजर इन्वेस्टर्स थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और फिर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और ये डिले अभी तक एग्जिस्ट करता है। पब्लिकली ये कोई नहीं जानता कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कब शुरू करी जाएगी वापस, लेकिन अगर करी जाएगी तो बुर्ज खलीफा रिकॉर्ड यही बिल्डिंग तोड़ सकती है। एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर जिसकी बहुत हाई पोटेंशियल है, जो दुबई के अंदर ही है, जो कि है दुबई क्रीक टावर। स्पेनिश आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया गया ये क्रीक टावर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन टावर होगा दुबई। इसे साल 2016 और 18 के बीच में प्लान किया गया था, और फाउंडेशंस ऑलरेडी ले करी जा चुकी है, लेकिन इस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। ओरिजिनली प्लान किया गया था कि 2020 के एक्सपो में इसकी इनॉग्रेशन करी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस टावर की एग्जैक्ट हाइट कितनी होगी ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है 838 मीटर और 1300 मीटर के बीच में हो सकती है। हो सकता है हाइट के मामले में ये टावर जेडा टावर को बीट कर दे, लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग की कैटेगरी में ये टावर नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि प्लान यही है यहाँ पर रहने की और ऑफिस की कोई जगह नहीं होगी, इसे बस एक ऑब्जर्वेशन डेक की तरह प्लान किया जा रहा है, जैसे कि आईफिल टावर है, लेकिन इसकी भी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई और नहीं पता कब वापस शुरू हो। तो ये दोनों नहीं तो और कौन सी बिल्डिंग हो सकती है आने वाले फ्यूचर में जो बुर्ज खलीफा को बीट कर सकती है? अब ये सवाल थोड़ा इमेजिनरी बन जाता है, क्योंकि बाकी जो प्लान्ड प्रोजेक्ट्स उनकी प्लानिंग करी गई है, अनाउंसमेंट करी गई है, लेकिन ज्यादा काम उन पर शुरू हुआ नहीं। जैसे कि कुवैत के देश में प्लान किया गया मुबारक अल कबीर टावर, इसे पहली बार साल 2007 में प्रपोज किया गया था, और इसकी हाइट इन्होंने प्रपोज करी कि 1001 मीटर तक होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन एक बार फिर से बुर्ज खलीफा के डिजाइन से काफी मिलता जुलता, लेकिन इस पर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, तो कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में कब बन के तैयार होगा, ये सिर्फ एक प्रपोज्ड प्लान है। ये प्लान अगर आपको कमाल का लग रहा है, तो इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब प्लान है द स्काई माइल टावर टोक्यो में। एक 1.7 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग
जिसमें 5 लाख लोग रह सके। फोटोज देखिए इस प्रपोज्ड बिल्डिंग की, इसकी भी ओवरऑल शेप काफी मिलती जुलती है बुर्ज खलीफा से। लेकिन अगर इतनी ऊंचाई तक किसी टावर को लेकर जाना है तो हवा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसी रीजन से इस प्रपोज्ड डिजाइन में इतने बड़े बड़े गैप्स छोड़े गए हैं ताकि हवा बीचों बीच फ्लो कर सके इस बिल्डिंग के। प्रॉपर वर्टिकल स्लॉट्स हैं और ये प्रोजेक्ट एक विजनरी मेगा सिटी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। इसका नाम होगा नेक्स्ट टोक्यो। तो टोक्यो शहर के पास एक नेक्स्ट टोक्यो बनाने की कोशिश करी जाएगी जापानी सरकार के द्वारा। अभी तक ये प्लान पूरा थियोरेटिकल है, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर होती है तो एस्टिमेट किया जाता है कि साल 2045 में जाकर ये कम्प्लीट होगा। तो मोटे मोटे तौर पर हो जाएंगे भाई, बहुत कम चांस है कि अगले 25 सालों में भी कोई ऐसी बिल्डिंग बनेगी जो बुर्ज खलीफा के डिजाइन को बीट कर पाए, जो इनोवेटिव डिजाइन जिसकी मदद से बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बनी। वैसे भी पिछले 10 सालों में 800 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान किए गए थे लेकिन बाद में उन्हें कैंसिल करना पड़ा। जैसे कि अजरबैजान के देश में साल 2012 में 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग का प्लान किया गया था, कैंसिल हो गया। 2013 में चाइना में 838 मीटर स्काई सिटी स्केपर बनाने का प्लान किया गया, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिली एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से, इस प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया गया 2016। अब टोक्यो के स्काई माइल टावर से आगे के जो प्लान है उससे भी ऊंचा बनाने के जो प्लान है वो इतने इमेजिनरी है कि वो साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि टोक्यो में ही एक्सीड 4000 बिल्डिंग का प्लान, ये एक विजनरी प्रोजेक्ट है टोक्यो में इतनी ऊंची इमारत बनाने का जो इमारत 4 किलोमीटर ऊंची हो, माउंट फूजी की हाइट से भी ऊंची हो, 1 मिलियन लोग इसमें रह सके। दिखने में ये ऐसी दिखेगी, खुद ही में ही पहाड़ी जैसी। इसको 1995 में प्लान किया गया था लेकिन ये सिर्फ एक प्लान ही है जिस पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही एक प्लान है स्पेस एलिवेटर बनाने, केबल का इस्तेमाल करके हम इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाए कि वो धरती से बाहर स्पेस में निकल जाए और उसकी मदद से हम अर्थ से स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर पाए आसानी से। एक ऐसी थियोरेटिकल चीज है जिसकी अलग से वीडियो में ही किसी में बात करी जा सकती है और ये वैसे भी बिल्डिंग की कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा, तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। सवाल ये है कि प्रैक्टिकली बात करें तो कितना ऊंचा बनाया जा सकता है। बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर का कहना है कि अगर हम बटरेस कोर का जो डिजाइन है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करें तो एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सकती है जिसकी हाइट 2 मील से ज्यादा, यानी 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है। उनका कहना है कि थियोरेटिकली तो हम माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची एक बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आएगी, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती चली जाती है उतना ही ज्यादा वजन आप डाल रहे हो नीचे के फ्लोर्स पर। वो जो फोर्स नीचे की बिल्डिंग के हिस्से पर पड़ता है और ऊपर जो हवा का फोर्स आता है बिल्डिंग के ऊपर, यही दो सबसे बड़े चैलेंजेस आएंगे एक ऊंची बिल्डिंग बनाने में। अब हम इनोवेटिव डिजाइन, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब आपका मटेरियल ही जवाब दे जाए। आज के दिन हमें जितने भी मटेरियल्स पता है जैसे कि कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब की एक लिमिट है। अगर हमें इनकी लिमिट से ज्यादा जाना है तो हमें ऐसे मटेरियल्स का आविष्कार करना पड़ेगा जो इन सबसे ज्यादा हल्के हों और ज्यादा ड्यूरेबल। एक प्रॉमिसिंग मटेरियल जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो होगा कार्बन फाइबर। लाइट वेट फाइबर्स जो कार्बन के बने हैं उन्हें एक मेश की तरह वीविंग किया गया है। स्टील से ज्यादा मजबूत होता है, हल्का होता है और शायद ये हमें मौका दे सकता है और ऊंची बिल्डिंगें बनाने का। लेकिन इन सब कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स से पहले एक ह्यूमन बॉडी की भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही बिल्डिंग्स 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर का मार्क क्रॉस करेंगी, ऑल्टीट्यूड इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि वहां पर एयर प्रेशर में डिफरेंसेस हो जाएंगे। आप कभी लेह लद्दाख गए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे पहले 1-2 दिन वहां पर उल्टी आने लग जाती है, डिजीनेस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को एक्लाइमेटाइज करना पड़ता है उतनी हाइट पर जो ऑक्सीजन की कमी होती है हवा में उसके लिए। अब किसी पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते तो ये धीरे धीरे किया जा सकता है, लेकिन अगर एक इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली हमने जो 2 किलोमीटर लंबी है उसमें हम इंस्टेंटली एलिवेटर में बैठ के नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेम प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी फेस करेगी अनलेस उस बिल्डिंग के अंदर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर करो, और ऐसा करना बहुत महंगा पड़ेगा पहली चीज तो, और इसका मतलब दूसरी चीज ये होगी कि आप बैल्कनीज नहीं बना सकते इतने हाई फ्लोर, शीशे नहीं खोल सकते, बना सकते हो लेकिन फिर उनमें कोई जा नहीं पाएगा, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ह्यूमन बॉडी की प्रॉब्लम से भी पहले आती है सोशियो इकोनॉमिक लिमिटेशंस, जो सबसे बड़ा कारण है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग क्यों नहीं बनती। पैसा, कोई गारंटी नहीं है कि पैसा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितनी सक्सेसफुल निकलेगी उसके आसपास इतनी इकोनॉमिक बूम देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर्स को हजारों करोड़ रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे ऐसी बिल्डिंग को फंड करने के लिए, और ऐसी बिल्डिंग को फंड करने का मतलब हुआ बहुत हाई रिस्क।
कितने लोग फंड करना चाहेंगे। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट की भी जरूरत होगी और बहुत सी सरकारें ऐसी चीज सपोर्ट नहीं करेंगी क्योंकि ज्यादातर देशों में पैसों का और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में अगर सारा पैसा सरकार इन्हीं चीजों में लगा देगी कितनी ऊंची हम बिल्डिंग बना सकते हैं, तो इसे एक बहुत बड़ी वेस्टेज कहा जाएगा। यही कारण है कि चाइना में भी हाल ही में चाइनीज सरकार ने लॉ पास किया था कि 500 मीटर से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनने देंगे हम देश। उससे ऊपर बिल्डिंग बनाने का मतलब है कि ये सिर्फ वैनिटी के लिए किया जा रहा है, दिखावे के लिए किया जा रहा है। प्रैक्टिकली वो पैसे की वेस्टेज है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई होगी ऐसी बिल्डिंग की, सरकार का भी पैसा वेस्ट हुआ, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम बैन लगा देते हैं। चाइनीज सरकार के लॉज के अकॉर्डिंग जिस शहर में 3 मिलियन तक की पॉपुलेशन है उसमें हाइट लिमिट सेट करी हुई है स्काई स्क्रेपर्स के लिए 250 मीटर। तो एक चीज यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है दोस्तों कि दुनिया भर में ऐसे बहुत कम शहर हैं जहाँ के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलाउ करते हों कि वहाँ दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बन पाए। करीब 100 साल पहले ये शहर थे न्यूयॉर्क और शिकागो, जहाँ पर इकोनॉमिक बूम देखने को मिला था। इतनी भारी संख्या में वहां पर लोग आ रहे थे, डिमांड थी कम जगह पर और घर बनाने की और ऑफिसेज बनाने की, इसलिए वहां पर ऊंची बिल्डिंगें बनी। 21वीं सदी में कुछ हद तक ये चीज चाइना के शहरों में और ताइवान के शहरों में देखी गई, इसी रीजन से बहुत सी ऊंची बिल्डिंगें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी वहां के शहरों में, लेकिन इतनी ऊंची भी नहीं कि प्रॉफिटेबल ना बचे हो। और बची फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया, जहां पर ऑयल डिपेंडेंस कम करना चाह रही है सरकार के पास ऑयल से लेकिन बहुत पैसा है, तो ये चीज इन जगहों पर करनी कुछ हद तक पॉसिबल हो पाए। तो यही कारण है दोस्तों अभी के लिए अगले कई सालों तक तो एटलीस्ट बुर्ज खलीफा ही दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग रहेगी। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि जैसे कि जद्दा में बन रहा है जद्दा टावर और फिर उसके बाद दुबई में ही दूसरी हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग का प्लान किया हुआ है, लेकिन मुझे ये नॉलेज नहीं था कि जद्दा टावर 2017 से बंद पड़ा है, क्योंकि लास्ट जब मैं सऊदीया गया था तब वो डेवलप हो रहा था और वो 2017 के अराउंड ही था, तो मेरे ख्याल से उसी के जब मैं होके आया हूँ वहां से तो उसकी डेवलपमेंट रुकी है। फिर उसके बाद जो दुबई में दूसरा टावर बन रहा है उसकी भी डेवलपमेंट रुकी हुई है, तो ये चीजों की नॉलेज नहीं थी मुझे। तो उस हिसाब से तो बुर्ज खलीफा ही रहने वाला है कई सालों तक हाईएस्ट बिल्डिंग, और ये सारा कुछ देखने में मुझे तो मजा आया। और ध्रुव राठी को यार लूट है बंदा, इतनी रिसर्च करता है, करने को हम भी कर सकते हैं लेकिन वो कर रहा है तो हम क्यों करें। बायगॉन्स बी बायगॉन्स, यू कैन एक्ट स्मार्टर नॉट हार्डर। चलो जी, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।